नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से लेके आया हूँ और एक नया वीडियो बेरिंग के बारे में। और बेरिंग का जो शाफ्ट सेट निकालना है या बेरिंग का जो आईडी निकालना है, वो सब का बारे में आज डिस्कस करेंगे कि बेरिंग का जो डिजिट्स रहता है, नंबर रहता है, उसी से हम लोग कैसे शाफ्ट सेट कैलकुलेशन करेंगे। ओके, तो उसको जानने के लिए बेरिंग नंबर लिखना पड़ेगा हमको। बेरिंग नंबर है 6210, ठीक है। तो मैक्सिमम दोस्तों को पता है कि बेरिंग का जो भी बेरिंग का डिजिट्स रहता है, उसका लास्ट टू डिजिट में इंटू फाइव करना पड़ता है। तो लास्ट टू डिजिट कितना हो गया, 10 हो गया। तो उसमें हमको इंटू फाइव करना है, ये हम लोग को मिल गया 50 mm। ओके, ये हो गया 50 mm। ये जो है डीप ग्रुप बॉल बेरिंग। ओके दोस्तों, ये हो गया डीप ग्रुप बॉल बेरिंग, डीप ग्रुप बॉल बेरिंग। तो 6210 का जो शाफ्ट साइज है 50 हमको मिल गया, ये लास्ट टू डिजिट में इंटू करके 5, ठीक है ना। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं और बेरिंग का पास 6200, 6200, 6200, 6200, 6200, 6205। तो यहां पर हम लोग लास्ट टू डिजिट में इंटू फाइव करके हमको 50 निकल गया शाफ्ट साइज। तो यहां हमको लास्ट टू डिजिट देखना है, लास्ट टू डिजिट कितना है, ये 00 है। तो हम 00 में तो इंटू फाइव नहीं कर सकते हैं, लेकिन बेरिंग तो आता है इसका, तो शाफ्ट साइज भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट हो गया 01। तो 01 में इंटू फाइव करेंगे तो कितना मिलेगा, 5 mm मिलेगा। तो 5 mm का शाफ्ट ये तो इम्पॉसिबल है, नहीं रहता है 5 mm का शाफ्ट, लेकिन बेरिंग साइज है तो उसका शाफ्ट साइज भी होगा। वो कैसे निकालेंगे टोटल इस वीडियो में समझेंगे। तो उससे पहले एक बहुत रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जो भी मेरा वीडियो में नया है दोस्तों, प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरा जो भी नया वीडियो आएगा सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और लाइक शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। ओके, तो जो भी हम लोग बेरिंग का शाफ्ट साइज निकालते हैं, ठीक है ना, इंटू फाइव करते हैं, लेकिन ये जो रूल है दोस्तों, सभी बेरिंग डिजिट्स में इंटू फाइव नहीं होता है, ठीक है ना, कुछ में होता है कुछ में नहीं होता है। तो जिसमें नहीं होता है वो सबका बताऊंगा, जिसमें होता है वो भी देखते हैं क्या है। जैसे कि 00, 01, 02, 03, 04, 04 तक इंटू फाइव नहीं होता है, ठीक है, 04 का बाद 5 से इंटू फाइव होता है। इंटू फाइव इक्वल टू 25, 6205, 06 इंटू 6 इक्वल टू 30। यहाँ 05, 06, 08, 10, 12, 16, 18, 20 जितना भी नीचे जाएगा उस सब में फिक्स है, इंटू फाइव होगा और जो निकलेगा वही हम लोग का शाफ्ट साइज है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसका क्या है, 04 मतलब 5 से ऊपर जो 00 तक है वो सब का एक तो रूल है, वो फिक्स एक तो साइज है, उसी साइज में ही रहेगा इसका शाफ्ट। और बेरिंग चाहे जो भी बेरिंग हो, जो भी डिजिट्स हो, लास्ट में अगर 00, 00, 04 जो भी है, ये सब में जो शाफ्ट अभी मैं बताऊंगा ये सब फिक्स रहेगा, ठीक है, ये कुछ चेंजेस नहीं है इसमें, कुछ फॉर्मूला नहीं रहेगा। 00 का जो है ये 10 mm होगा, 01 का जो है वो 12 mm होगा, 02 का जो है ये 15 mm होगा, 03 का जो है ये 17 mm होगा, 04 का जो है ये 20 mm होगा, ये सब mm में है, ठीक है। तो 00 को 10 mm, 12 mm, 15 mm, 17 mm और 20 mm, ये सारे शाफ्ट साइज बता दिया। ये जो दोस्तों मैं शाफ्ट साइज बताया, ये लास्ट टू डिजिट इसी हिसाब से ये फिक्स है, ये कुछ चेंजेस नहीं है, इसी को मतलब याद कर लेना है, ठीक है ना। और इसका बाद जो 05 होगा यहां से इंटू 5 होगा। ओके, तो ये मैं जितना भी बेरिंग आपको लोग को बताया, ये सब डीप ग्रुप बॉल बेरिंग है। और ये जो बॉल बेरिंग है ये सब शाफ्ट में डायरेक्ट फिक्स लगा इसका इनर रेस्ट, ठीक है। ये मतलब क्या होता है ना, बेरिंग दो टाइप का आता है, एक टेपर बोर और एक पर्राल बोर। उसमें ये पर्राल बोर है, और टेपर बोर क्या होता है, टेपर बोर में एक तो एडेप्टर स्लिप लगता है, और स्लिप पहले शाफ्ट का ऊपर लगेगा और स्लिप का ऊपर बेरिंग लगता है, ठीक है ना। तो जैसे कि
मतलब ये बल बेरिंग में भी टेपर ऊपर आता है और रोलर बेरिंग में भी टेपर ऊपर आता है, वो सब मैं दोस्तों दूसरा वीडियो में बताऊंगा, इसमें काफी लंबा हो जाएगा, तो इसमें केवल शाफ्ट साइज को समझते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए और एक मैं वीडियो बता रहा हूँ, मतलब सर ये बेरिंग बता रहा हूँ डिजिट्स, ये 222 30, ये एक तो रोलर बेरिंग है, टेपर रोलर बेरिंग है, ठीक है ना, ये एक तो रोलर बेरिंग है, टेपर रोलर बेरिंग, तो इसका लास्ट टू डिजिट कितना है ना 30, इसमें इंटू कर देंगे 5, ये कितना निकला 50, ठीक है, तो इसका शाफ्ट साइज हो गया 50, लेकिन इसका शाफ्ट साइज 50 नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसमें फिर एडेप्टर स्लिप लगेगा, तो एडेप्टर स्लिप जब लगता है, ये हो गया बेरिंग, ठीक है ना, यहाँ 10 mm, यहाँ 10 mm, तो हमको 20 mm इसमें माइनस करना है, ठीक है, 20 mm माइनस करना है, तो हमको कितना हो गया, ये हो गया 130 mm इसका शाफ्ट है, ठीक है, ये 130 mm, इसमें एडेप्टर स्लिप जो है ये 10 mm का थिकनेस है, तो दोनों तरफ मिला के ये 20 mm हो गया, तो ये 150 से हम 20 mm माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद इसका शाफ्ट साइज हो गया 130, ठीक है सर दोस्तों, तो ये जो एडेप्टर स्लिप का जो थिकनेस रहता है दोस्तों, इसको मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, जो भी शाफ्ट 130 है, तो 100 से नीचे जो भी शाफ्ट होगा वो 8 mm होगा, ठीक है, 8 mm, मतलब हमको 16 mm माइनस करना है, ठीक है, 16 mm माइनस करना है, अगर 100 mm शाफ्ट हो गया तो हमारा एडेप्टर स्लिप का थिकनेस हो जाएगा 10 mm, मीन्स हमको 20 mm, 10 10 20 mm माइनस करना है, जैसे यहाँ हो गया 222 30 × 5 इक्वल टू ये हो गया 150 से माइनस कर दिया 20 के बाद ये निकल गया 130, यही हमारा शाफ्ट साइज है, मतलब ये टेपर बोर में सब जहां पर एडेप्टर स्लिप रहेगा, लेकिन ये सब बेरिंग में कुछ करना नहीं है, जितना इंटू कर दिया जो हम लोग का निकल गया रिजल्ट वही शाफ्ट साइज है, ओके दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये सब समझ में आ गया होगा, अगर आप लोग को कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट में मेरे को पूछ सकते हैं, मैं तुरंत रिप्लाई दूंगा आपका, और फिर से मैं दोस्तों आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मेरा चैनल में कोई नया है दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं चेक कर रहा था कि मेरा जितना भी दोस्त लोग वीडियो देखते हैं उनमें से 54% दोस्त मतलब सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ओनली देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वही लोग को मेरा काइंडली रिक्वेस्ट है कि दोस्त लोग प्लीज चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर दबा दीजिए, ताकि मेरा जो भी नया वीडियो आएगा सबसे पहले आप लोग का पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।